वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोहिनी, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे इस पे वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो वही वीडियो मैं आप लोगों के लिए आज शेयर करने वाली हूँ। काफी लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। अच्छी लगे तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर करना। वैसे तो आप लोगों को टाइटल पढ़ के पता ही चल गया होगा आज मैं कौन सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों की भी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, मैं उस पर भी जरूर एक वीडियो बनाऊंगी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल किट में क्या क्या सामान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी। ब्राइडल होती है उसे शुरुआत में क्या क्या चीजों की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। शादी की सीजन स्टार्ट होने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। अच्छी लगे तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर करना। चलिए फिर एक एक करके मैं आप लोगों को वही कुछ प्रोडक्ट दिखा देती हूँ जो एक ब्राइडल की मेकअप किट में होने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले जो एक ब्राइडल की किट में होना चाहिए वो है ये लिप बाम। लिप बाम लिप्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो एक लिप बाम का होना बहुत ही मेन है एक ब्राइडल किट में। सेकेंड जो ब्राइडल किट में होना चाहिए वो है टोनर। मेरे पास दो टोनर है, एक है गुड वाइब्स का और दूसरा है अल्पस गुडनेस का रोज वाटर। काफी अच्छे टोनर है और अफोर्डेबल रेट में आपको मिल जाएंगे, तो टोनर हमारे फेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपको ब्राइडल हो तो अपने मेकअप किट में टोनर जरूर रखें। एंड थर्ड ब्राइडल किट में होना चाहिए ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मेकअप को रिमूव करने में भी हेल्प करता है और प्राइमर का भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है और फेस पे मॉइस्चराइजर का भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अपनी किट में एलोवेरा जेल जरूर रखें। अब हम आते हैं फेस बेस की तरफ। फेस बेस में आप यहाँ पर फिटमी का फाउंडेशन यूज कर सकते हैं या फिर लैक्मे की सीसी क्रीम और पॉन्ड्स की बीबी क्रीम भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा प्रोडक्ट है और अफोर्डेबल रेट पे भी मिल जाता है, तो ये ब्राइडल किट में होना जरूरी है। वैसे तो ये बीबी सीसी क्रीम है, अगर आप फाउंडेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो ये फिटमी का यूज करें, काफी अच्छा है, काफी अच्छी कवरेज देता है, तो आप ये यूज कर सकते हैं बेस के लिए। आ जाते हैं कंसीलर की तरफ, जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं कंसीलर और जिसकी कवरेज भी अच्छी है और अफोर्डेबल रेट पे भी मिल जाता है, वो है यहाँ पर स्विस ब्यूटी का कंसीलर और एस क्यू का कंसीलर स्टिक। काफी अच्छा है दोनों, और दोनों ही आपको अफोर्डेबल रेट में मिल जाएंगे। वर्क भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और कंसीलर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये डार्क एरिया को हाइड कर देता है, तो एक ब्राइडल किट में इनका होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेस तो हो गया, अब बेस को सेट करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो बेस सेट करने के लिए आप यहाँ पर फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज कर सकते हैं या ये लैक्मे 9 to 5 का लूज पाउडर है, ये भी काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छी फिनिश दे देता है। थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा, आपको अफोर्डेबल रेट में मिल जाएगा, ये आपको 199 रुपीज का मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 600 रुपीज का, तो जो दोनों का होना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेकअप को सेट कर देते हैं दोनों ही अच्छी तरीके से, तो एक ब्राइडल किट में इनका होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड, बेस भी अच्छे से तैयार हो गया, अब हम बात करते हैं आई मेकअप की। आई मेकअप करना तो न्यू ब्राइडल के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो अगर आप कोई अच्छी आई शेडो पैलेट देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर बात करूंगी ये श्रेयॉन की पैलेट। ये मैंने अमेजोन से मंगाई थी, काफी अच्छी है। अगर आप इसको भी यूज नहीं करना चाहते हैं कि आपको बहुत ही ज्यादा बड़ी लग रही है, आप यहाँ पर ब्लू हेवन की आई शेडो यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 12 कलर मिलेंगे और काफी अच्छे अच्छे कलर मिलेंगे, काफी ज्यादा पिगमेंटेड है ये भी। ब्राइडल किट में अच्छे से एडजस्ट भी हो जाएगा, तो अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं इसे भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ये श्रेयॉन की यूज कर ही सकते हैं, ये भी अच्छी है, काफी अच्छे अच्छे इसके अंदर भी कलर है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आई शेडो के बाद हम बात करते हैं आईलाइनर की। आईलाइनर में आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं NYB का आईलाइनर या यूज कर सकते हैं लैक्मे का आईलाइनर, दोनों ही वाटरप्रूफ है, और हमेशा आप याद रखिए वाटरप्रूफ लाइनर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, छोटा सा है, अच्छे से एडजस्ट भी हो जाएगा और अप्लाई तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है इसका। मैं आपको लैक्मे का दिखाती हूँ, आपको इसका जो एप्लीकेटर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और अच्छे रेट में भी आपको मिल जाएगा, तो आप इन दोनों को जरूर अप्लाई करके देख सकते हैं एक बार।
अब हम बात करते हैं काजल की। काजल में आप यहाँ पर NY Bay का भी काजल यूज कर सकते हैं या आप यहाँ पर कलर बार का भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, काफी अच्छे हैं और दोनों ही वाटर प्रूफ है। आप देख सकते हैं जो मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है वो मैंने NY Bay का किया हुआ है, काफी अच्छे से अप्लाई भी हो जाता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आई मेकअप होने के बाद अब हम बात करते हैं ब्लशर की। और ब्लशर के लिए मेरे पास यहाँ पर है SFR का। इसके अंदर आपको हाइलाइटर भी मिल जाएगा, इसके अंदर आपको ब्लशर भी मिल जाएगा, ब्राउंजर भी मिल जाएगा और कॉन्टोरिंग भी मिल जाएगी। चारों चीज आपको एक ही प्रोडक्ट में मिल जाएगी। तो अगर आप इसे भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये आपकी किट में अच्छे से एडजस्ट भी हो जाएगी। छोटा सा प्रोडक्ट है, चारों चीजें आपको मिल जाएगी। इनका होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक ब्राइडल किट में। हमारा ब्लशर भी हो गया और अब हम बात करते हैं लिपस्टिक की, जो एक लेडीज के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे डार्क कलर बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो मेरे यहाँ पास काफी सारी लिपस्टिक है, आप देख सकते हैं। मेरे पास ब्लू हेवन की भी है, मेरे पास यहाँ पर कलर बार की भी लिपस्टिक है और NY Bay की भी है, और यहाँ पर मेरे पास SQ की भी लिपस्टिक है। आप कोई भी ले सकते हैं। और जो भी मेरे पास लिपस्टिक है ये सारी वाटर प्रूफ लिपस्टिक है। तो आप अगर आप न्यू ब्राइडल है तो आप कोशिश करिए आप डार्क लिपस्टिक अप्लाई कीजिए। डार्क लिपस्टिक न्यू ब्राइडल पे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, फेस पे बहुत ही ज्यादा ग्लो आता है डार्क लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद। अगर आप लिप लाइनर भी यूज करते हैं तो आप लिप लाइनर भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर काफी लिप लाइनर भी है पर मैं लिप लाइनर यूज नहीं करती। ब्राइडल की किट में लिप लाइनर भी होना चाहिए और लिपस्टिक भी होनी चाहिए। तो आप लिपस्टिक कोई भी चूज कर सकते हैं, रेड कलर और पिंक कलर, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक ब्राइडल के लिए। तो एक ब्राइडल किट में ये लिपस्टिक होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इम्पॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पर बिंदी। एक ब्राइडल किट में बिंदी होना बहुत जरूरी है। मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारी बिंदी है और छोटी छोटी बिंदी है, एक ब्राइडल पे बहुत ही अच्छी लगती है छोटी छोटी बिंदी। तो अगर आप ब्राइडल किट तैयार कर रहे हैं तो अपनी ब्राइडल किट में इतनी सारी बिंदी तो जरूर रखें। और फ्रेंड्स अब पूरा मेकअप हो चुका है। पूरा मेकअप होने के बाद आप अपने किट में रख सकते हैं गार्नियर का क्लिंजिंग वाटर। ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप मेकअप को रिमूव भी करेंगे, मेकअप रिमूव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपको हर एक वीडियो में जरूर बताती हूँ, अगर आप बहुत ही अच्छे से मेकअप करके बैठे हैं तो आप जरूर उसको रिमूव करके ही सोएं। अगर आप रिमूवर यूज नहीं कर रहे हैं कोई भी, तो एलोवेरा जेल या कोकोनट ऑयल का भी यूज कर सकते हैं मेकअप को रिमूव करने के लिए। अब ये सारी चीजें तो हो गई, एक ब्राइडल की किट में होना चाहिए जो मोस्ट ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है एक ब्राइडल के लिए, वो है ये सिंदूर। एक सिंदूर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक ब्राइडल की जिंदगी में। यही कुछ प्रोडक्ट हैं जो एक ब्राइडल किट में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस करने से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।